अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ब्रो? ठीक हो तू? ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कलीम है। मैं तुसा सारे यूट्यूब चैनल देख लोगे सारे कुंडा एक सारे चैनल बनाए हुए हैं, लाइक ते सब्सक्राइब लाजमी कर रहे हैं, बेल आइकन बटन दबा रहे हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो थोड़े तक लाजमी पहुंचे। तो आज तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेने आज सब्सिडी न्यूज अपडेट, उस बाद DAP आटो पेमेंट कड़े महीने दें पे, क्योंकि DAP आटो पेमेंट जी है उसके बारे बहुत सारे सारे किसान भरा परेशान है, क्योंकि आटो पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन आटो पेमेंट आई है कड़े महीने तक आई है उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा कुछ मिली सारी। उस बाद सूरजमुखी की सबसिडी जी है उसकी कोई सबसिडी जी है आटो आ गई, उस बाद वेरीफिकेशन जी है किस टाइम आनी है, क्योंकि बहुत सारे बार कॉल भी की पैन इस चीज़ इन्फॉर्मेशन का नहीं पता कि उसकी वेरीफिकेशन किस टाइम आती, क्योंकि तिल तो जी सूरजमुखी उसकी वेरीफिकेशन एक तरीके कार आती ना कि जिम्मे DAP या MOP SOP की वेरीफिकेशन होती उस तरीके कार, क्योंकि इसकी अलग सिस्टम है, इसकी अलग वेरीफिकेशन होती है। तो तिल की भी आटो पेमेंट पहले आ गई है तो उसकी वेरीफिकेशन बाद वेरीफिकेशन बाद क्यों थी है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है किस टाइम वेरीफिकेशन इसी थी। सब तो पहले थोड़ा आटो पेमेंट के बारे दस DAP की आटो पेमेंट जी है जी भी आटो पेमेंट आती है तकरीबन 6 महीने पहले जो भरा कोपन लाया उसकी आटो पेमेंट आती है। अगर नवंबर अक्तूबर की गल की वजह तो उन्होंने जो कोपन लगे उस महीने कोपन लगे उसकी DAP आटो पेमेंट आई अक्तूबर की कन्फर्म आ गई, नवंबर की हाली कोई कन्फर्म नहीं थी, लेकिन आटो पेमेंट आँदी पी जी 6 महीने पहले की आँदी पी जे भरा 6 महीने पहले कोपन लाया आइटम साफ कर गए तो उस तो वही अपनी पेमेंट चेक कर सकते। अगर उन्होंने सिमा बंद है या मोबाइल सिमा के होर जगह तो उन्होंने आसान तरीके कार है आटो पेमेंट चेक करा। अगर सर कोपन है तो कोपन अगर वाला असी सकते सेंड करके चेक करो, अगर रिप्लाई आ वही गया पहले ही अदायगी के लिए भेज दिया गया तो उसको ओपन की आटो पेमेंट आ चुकी है। अगर बाकी कोपन सर कोई नहीं तो जो HBL एजेंट है उसको तो वैसे डिवाइस हो अपना ID कार्ड नंबर वैसे तो अगर सारी पेमेंट आई खड़ी उसी तो पैसे शो थी वैसे जितने भी कोपन की पेमेंट आ गई उसी तो उतना कोपन शो थी वैसे। उस बाद सूरजमुखी की वेरीफिकेशन की गल की वैसे तो सूरजमुखी की जी आटो पेमेंट है वो पहले बिल्कुल 24 घंटे तो पहले मिल वी आटो पेमेंट मिलने बाद वेरीफिकेशन जी है बिल्कुल ही नहीं होती। वेरीफिकेशन उस टाइम उसी जिस टाइम फसल पक के बिल्कुल तैयार थी वैसे उस बाद फसल की वेरीफिकेशन थी उस बाद बकाया पेमेंट आ, क्योंकि बहुत सारे ग्राह जड़े हैं तो बहुत सारे लोग जड़े वो सिर्फ सबसिडी का सीड न खरीद गए लेकिन ना उसकी काश नहीं करेंगे। इस वजह तो तिल तो सूरजमुखी की जो वेरीफिकेशन है वो सिर्फ आटो पेमेंट आने बाद फसल तैयार थी तो बाद वेरीफिकेशन दी थी, उसकी वेरीफिकेशन पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तिल की अगर गल की जाए तो तिल भी आटो पेमेंट पहले आ गई थी लेकिन वेरीफिकेशन उसकी जिस करेंद वेरीफिकेशन थी होती है तो उसकी फसल तैयार थी वही तिल तो सूरजमुखी की उससे वेरीफिकेशन दी पहले वेरीफिकेशन भी नहीं थी। लिहाजा जेडे फिर आटो पेमेंट मिल चुके वो बिल्कुल ही रिलैक्स थी उन्होंने आटो पेमेंट आ चुकी हूँ उन्होंने वेरीफिकेशन दी थी। वेरीफिकेशन उस टाइम थी जिस टाइम फसल बिल्कुल तैयार थी वैसे लेकिन सूरजमुखी तकरीबन 50% तैयार है लेकिन कन्फर्म नहीं थी कि वेरीफिकेशन स्टार्ट थी या नहीं थी। जिस टाइम वेरीफिकेशन स्टार्ट थी सी इंशाल्लाह सब इन्फॉर्मेशन ला तो सारे चैनल लाइक से सब्सक्राइब लाजमी करो, क्योंकि जी भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आज लाजमी बहुत सी मिलेगी नवी इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।